जुड़ते हैं अमीषा वोरा जी से। आप जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बहुत ही जानी मानी कंपनी ब्रोकरेज की, पिछले कई दशकों से प्रभुदास लीलाधर के पास। अमीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही लंबी अवधि से आप बाजार के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने सेंसेक्स पर 50,000 का शिखर देखा कल। कोई ऐसी याद जो हो सेंसेक्स के साथ वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सो मार्केट में हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे एक याद आ रहा है कि मैं एक ऑस्ट्रेलिया वैकेशन पर गई थी और सिडनी के बेस्ट रेस्टोरेंट होटल में हमने रूम बुक किया था और तभी उस दिन इंडेक्स सर्किट डाउन हो गया था। क्या बात। एंड मुझे पता है कैसे हम वेदर एज बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं जी। और तभी जब ये में देखते हैं कि कैसे ये सब उतार चढ़ाव देखकर भी डायरेक्शन रिमेन्स वन एंड दैट इज अपवर्ड्स, क्या बात, तब हमें बहुत ही अच्छा फील होता है जी। अमीषा जी मैंने तो आपसे एक अच्छी याद शेयर करने को कहा था, आपने तो 10% सर्किट नीचे लगवा दिया। मैं यही बोलती हूँ कि वो होने के बावजूद हम 50,000 पर तो पहुंचे हैं। बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइए 75,000 कम लगवा रही हैं आप सेंसेक्स पे? ऐसा मुझे हमारा ऐसा जरूर मानना है कि लास्ट आप समझिए कि पूरा डिकेड इंडिया का स्लो ग्रोथ डिकेड रहा है कंपैरेटिवली टू इंडियाज पोटेंशियल, और इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म किए हुए हैं बट हर एक इंडिया के इंटरनल रिफॉर्म के साथ उसको एक बेनाइन इंटरेस्ट एंड एक्सेसिव लिक्विडिटी सिनेरियो चाहिए जिससे उसका ग्रोथ को एक फिलिप मिलता है। तो ऐसा लगता है कि ये सभी जिस तरह से आए हैं नेक्स्ट 5 साल इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होने चाहिए। पहले मैं ग्रोथ की बात कर रही हूं, अगर भी शॉर्ट टर्म में मार्केट शायद अपने फंडामेंटल से ज्यादा हो एंड थोड़ा कहीं कुछ करेक्शन ये साल आए बट हम नेक्स्ट 5 साल में पक्का 75,000 देखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैम एक और चीज़ आपसे जो पूछना चाहूँगा, जब भी हम कोई स्टॉक पिक करते हैं या किसी सेक्टर पे आउटलुक पॉजिटिव फ्रेम करते हैं उससे पहले दो चीज़ें होती हैं, आगे के ट्रिगर्स क्या हैं या फिर नंबर्स कैसे हैं। अब हमारे आगे एक ट्रिगर है बजट और साथ ही साथ हमारा ये अर्निंग सीजन भी चल रहा है। अब इस वक्त आप किस चीज़ पर, इन लेवल्स पर भी 50,000 का इंडेक्स हो गया सेंसेक्स, 15,000 का हो गया लगभग निफ्टी, किस चीज़ पर बहुत बुलिश हैं और किसके आधार पर, अर्निंग्स के आधार पर या फिर बजट के एक्सपेक्टेशंस के आधार पर, वो सेक्टर और वो कुछ स्टॉक्स आपके? देखिए हर एक साल बजट आता है, ऑफ कोर्स बजट इम्पॉर्टेंट है प्रायोरिटीज डिसाइड करने के लिए एंड पर्टिकुलरली हम कितने टाइट फिस्टेड हैं फिजूल खर्ची पे कंट्रोल करने के लिए, या तो ऐसे मौसम में जहां पर थोड़े सपोर्ट की जरूरत है हम कितने सपोर्टिव है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, वो एक एंगल सबसे इंपॉर्टेंट बजट से उभर कर आता है तो वो जरूरी है। बट ये जो 50,000 का सेंसेक्स हुआ है हम सबको पता है कि ना वो बजट एक्सपेक्टेशन के लिए हुआ है ना नंबर्स आ गए हैं इसके लिए हुआ है, बट वो ग्लोबल ए लिक्विडिटी की वजह से हुआ है, बी हमने कोविड बहुत ही अच्छी तरह से कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड डिस्पाइट हमारी बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के अलावा भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से पार किया है अभी तक, एंड थर्ड जो पेंट अप डिमांड जो फोर्स से इंडिया में आ रही है एंड रूरल इकोनॉमी जो सपोर्ट कर रही है, तो ये सब कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे लगता है हम ये लेवल देख रहे हैं। तो बजट इंपॉर्टेंट है, अगर बजट कोई पर्सनल इन द लार्जर हैंड्स ऑफ पीपल कोई एक्स्ट्रा पैसा रख सकता है ड्यू टू सम टैक्स चेंजेस एंड इफ इट इज दैट बोल्ड यस इट विल गिव फर्दर फिलिप, अदरवाइज मुझे लगता है मार्केट्स का आगे का अभी भी रुख हमारे इकोनॉमी की स्ट्रेंथ अपने फंडामेंटल नंबर्स, बट सबसे ऊपर ध्यान रहेगा कि इन्फ्लेशन ग्लोबली और इंडिया में कैसे पैन आउट हो रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स ग्लोबली पर्टिकुलरली कैसे पैन आउट हो रहे हैं,
और कहीं क्या उसमें डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है. अगर वो नहीं आया तो मुझे लगता है ये ग्रेजुअल रैली विद अ लिटिल पॉज विल कंटिन्यू एंड सिलेक्ट स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल. अमीषा जी, आपकी पिछले 5-1 दशक से बहुत ही जानी मानी ब्रोकरेज है प्रभुदास लीलाधर, और आप क्लाइंट्स को पोजिशनली, टेक्निकली और फंडामेंटली भी पोजिशन दिलवाते हैं पोर्टफोलियोज के लिए, ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज के लिए भी. ये बताइए कि बजट में तो वैसे 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस ही बचे हैं, क्या आप एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, कहाँ आपने लॉन्ग और कहाँ आपने शॉर्ट पोजिशंस अपने क्लाइंट्स को फिलहाल एडवाइस करी हैं बजट से पहले? देखिए, इन अ ब्रॉड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस हम अभी भी इवन एट दिस लेवल 50 से 55% लार्ज कैप ही निफ्टी स्टॉक्स ही बोल रहे हैं. अराउंड अनदर 30-35% हम नॉन निफ्टी मिड कैप बोल रहे हैं एंड 15-20% हम स्मॉल कैप बोल रहे हैं. दिस इज द ब्रॉड कैटेगराइजेशन हम क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं. विद इन द लार्ज कैप हम अभी भी ओवरवेट है आईटी, फार्मा, प्राइवेट बैंक्स एंड ऑटो पे एंड अन एन डिफरेंट वे. इट इज नॉट वी आर बुलिश ऑन ऑयल एंड गैस, बट हम लोग रिलायंस पे भी बुलिश है. सो ये कॉम्बिनेशन में हम ओवरवेट करवाते हैं पोर्टफोलियो में. मिड कैप में हम अपार्ट फ्रॉम ऑटो एंसिलियरी एंड केमिकल रिलेटेड कंपनीज, थोड़े जो डिसरप्टर्स अवेलेबल है इंडिया में, टेक्नोलॉजी डिसरप्टर्स, उसमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बड़ा थीम जो हमें लगता है नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए बहुत ही अच्छा करेगा वो है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट और उसके एंसिलियरी सप्लायर्स जो भी है, वेदर वो टाइल्स में हो गए, वेदर वो यू नो MHCV ट्रांसपोर्ट में हो गए, जैसे वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हो गए एक्शन कंस्ट्रक्शन के जैसे, या तो वो क्या बोलते हैं विनियर सेंचुरी प्लाई जैसे कोई हो गए. सो द होल चेन वी थिंक विल डू वेरी वेल फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years फैन भी. सो वो पूरा जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट एंसिलियरी वो सेगमेंट में हम बहुत ही बुलिश है. उसमें वायर्स एंड स्विच गियर्स भी आ गए, तो वो सेगमेंट के सिलेक्ट गुड क्वालिटी स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इज ऑल्सो दैट वी आर रिकमेंडिंग वेरी स्ट्रॉन्गली टू. तो अमीषा जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. जैसे जैसे आप चर्चा कर रही हैं स्टॉक्स की, वैसे वैसे वही स्टॉक्स आपको बाजार में दौड़ते हुए दिख रहे हैं. मैं कोई प्राइस पॉइंट्स मार्क करता हूँ क्योंकि ये तेजी देखते ही बनती है. आपने मारुति की चर्चा करी, दिन का उच्चतम लेवल आपको आता हुआ दिखेगा 8,306. शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत धाकड़ तेजी आप देख रहे हैं सारे के सारे 2-व्हीलर स्टॉक्स में और बिल्कुल ऑटो एंसिलरीज में. एक्साइड आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 205 रुपए 50 पैसे पर. खास नजर डालिए बजाज ऑटो पर, इतनी जबरदस्त कमेंट्री के बाद वापस आप बजाज ऑटो को 4,000 रुपए के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं. टीवीएस मोटर्स 528 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, दिन का उच्चतम लेवल. हीरो मोटर्स की तेजी देखते ही बनती है 3424. पूरा का पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस आपको चहकता हुआ दिखेगा. ध्यान दीजिए मदसन सुमी पर, भारत फोर्ज पर, खासकर प्रिकॉल पर. यहां पर बहुत अच्छे मूवमेंट्स आपको दिन में आते हुए दिख रहे हैं. फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल निफ्टी का ऑटो इंडेक्स और 2-व्हीलर स्टॉक्स खासकर आपको लगाते हुए दिख रहे हैं. अमीषा जी, आपसे वापस जुड़ते हैं. बहुत जबरदस्त मोमेंटम सन 2020 में आपने देखा केमिकल स्पेस में. कई कंपनीज अब आपको एक्सपैंड करती हुई दिख रही हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज और खासकर कैपेसिटी. कोई ऐसी 2 केमिकल कंपनीज जो आपने अपने क्लाइंट्स को सुझाई हो लॉन्ग टर्म, जहां पर हमारे दर्शक भी अब अपना कदम रख सकते हो? देखिए, एक संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कार्बन ब्लैक बनाती है जो टायर मैन्युफैक्चरिंग में जाता है. वो न तो ओनली फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, उनका 20% प्रोडक्शन आता है वेरी स्पेशलिटी केमिकल से, वहां पर मार्जिन बहुत स्ट्रांग है. तो ये कंपनी मेरे हिसाब से 400 करोड़ प्लस के प्रॉफिट की तरफ जा रही है FY22 में, जो एक सब्सटेंशियल नंबर है. ये फ्री कैश जनरेट करती है, ह्यूज डिविडेंड देती है एंड ऊपर से पूरा एक्सपांशन अपने इंटरनल जनरेशन से करेगी.
तो मुझे लगता है ये स्टॉक में अभी भी, ये तो 80-85 से या उससे भी नीचे से चला है, नो डाउट डबल प्लस हो गया है, पर मुझे लगता है इसमें अभी भी यहाँ भी स्कोप है एंड इट्स फ्रॉम अ वेरी साउंड ग्रुप. सेकंड, मुझे लगता है ऐसे ही एक वेरी स्पेशलिटी नीश में नोसिल है, जिनका भी ग्लोबली एक अच्छा मार्केट शेयर है एंड उनके वो भी बहुत अच्छे रिकवरी पाथ पे है. तो मुझे लगता है ये दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं. अमीषा जी, आप बहुत ही लंबा तजुर्बा रखती हैं बाजार में और शायद आज सरस्वती माँ आपके साथ हैं. जो जो स्टॉक्स पर आप राय दे रही हैं, देखिए क्या धड़ाकेदार तेजी के साथ स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं. फिलिप्स कार्बन अब 198.20 पर और नोसिल पर हम लोग सुबह से चर्चा कर ही रहे हैं, वहाँ पर भी आप एक शानदार मोमेंटम देख रहे हैं. देखिए अगर आप स्क्रीन देख पा रही हूँ तो आपके सामने जो प्राइस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा लगभग 199 की तरफ, 3.75% यहाँ पर भी तेजी दिख रही है. तो पोजिशनली केमिकल स्पेस में आपको अमीषा जी राय दे रही हैं कि आपके पोर्टफोलियो में लगभग 154 रुपये का नोसिल और 197 रुपये का फिलिप्स कार्बन ब्लैक होना चाहिए. अमीषा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे ही बजट की अहम गाइडलाइंस आएंगी आप हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगी और फिर निफ्टी 15,000 की आपसे राय ली जाएगी. और कोई अच्छी याद रखिएगा हमारे लिए तैयार, 10% सर्किट नीचे की जब बात होती है ना तो वो हल्का सा दिल में एक वो गैप आ जाता है एक धड़कन के बीच में. बहुत बुरे दिन थे वो, मुझे भी याद है, लेकिन मैं सिडनी में नहीं था, मैं तब दिल्ली में था. हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत आभार और आपको दोबारा शुभकामनाएं सेंसेक्स के 50,000 हिट करने की. चलिए